नमस्कार, आज है 21 तारीख। छत्तीसगढ़ के प्रमुख बड़ी खबरों पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर से करना। हम आप लोगों के लिए इस छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट इस चैनल के माध्यम से हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के बड़ी खबर पर। CM की बैठक, बिजली बिल की स्पष्टता न होने पर भड़के और जताए नाराज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली बिलों पर उपभोक्ताओं को दी जा रही छूट का स्पष्ट उल्लेख न होने पर बिजली कंपनी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने 3000 करोड़ के मड़वा परियोजना की गड़बड़ियों की जानकारी ली और दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिए। वहीं दूसरी ओर बड़ी अपडेट, रथ यात्रा को लेकर भीड़ में संक्रमण का खतरा, इसलिए रथ यात्रा नहीं निकलेगी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार पूरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई है। रायगढ़ में 4 जगह से निकलने वाली रथ यात्रा पर भी इसका असर पड़ेगा। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पालन करने के बाद कही और समितियों का तय किया गया कि इस वर्ष जगन्नाथ जी, बलभद्र, दाऊ और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा में भीड़ नहीं हो। सिर्फ 5 पंडितों के साथ मौसी के घर जाएंगे, रथ यात्रा नहीं निकलेगी। और दूसरी अपडेट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से आती हुई जाति निवास आय इस संबंधी प्रमाण पत्र बनाने से बड़ी अपडेट आ रही है। आय, जाति, मूल निवास समेत कई तरह के प्रमाण पत्रों की पुरानी आवेदनों पर भी अब मंजूरी से काम करने में तेजी आ रही है। करीब 2 महीने तक प्रमाण पत्रों के आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही थी। कलेक्टर के निर्देश के बाद अब प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर गरीब कल्याण रोजगार योजना के संबंध में अपडेट सामने आ रहा है। गरीब कल्याण रोजगार योजना में नाम छत्तीसगढ़ का नहीं, यानी कि रोजगार कल्याण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को जोड़ा नहीं गया है। गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किए जाने को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर हैरानी जताई है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मोदी जी कांग्रेस सरकार के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को तुरंत योजना में शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री गरीब योजना में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है, आश्चर्यजनक। यह तो मोदी जी कांग्रेस सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं, या उन्हें छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूरों के पलायन की कोई जानकारी नहीं है। लॉकडाउन में ही लगभग 2 से 3 लाख मजदूर वापस लौटे हैं और लगभग इतने ही अभी दूसरे प्रांतों में हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को भी जोड़ा जाए और छत्तीसगढ़ को भी इसका जो है लाभ दिया जाए। वैसे भाई लोग, आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह का माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, CM भूपेश बघेल का बयान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने रेत सहित अन्य सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले में रेत माफियाओं द्वारा की गई मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए धमतरी जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के नाम और एक नया उपलब्धि, स्वास्थ्य पेयजल में अग्रिम राज्यों की सूची में शामिल। जी हां, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांव में पेयजल योजनाओं के लिए 2000 की आबादी में बंधन को समाप्त कर कम आबादी वाले गांव में भी पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था से ग्रामीण अंचल के लोगों को सहजता से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की है। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर एक वायरल फेक लेटर चलता हुआ, इसके ऊपर बड़ी अपडेट आ रही है। बोर्ड ने कहा वे किसी भी तरह का इस तरह का लेटर जारी नहीं किए हैं, जिसमें बताया गया है कि 20 तारीख को 10वीं और 12वीं की रिजल्ट जारी किया जाएगा। दरअसल सुबह 10:30 बजे रिजल्ट जारी करने के दावे को लेकर जो लेटर इस वक्त वायरल हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में हड़कंप मच गई है कि आज रिजल्ट आएगा। और बोर्ड ने साफ किया कि इस तरह से किसी भी तरह का घोषणा बोर्ड के माध्यम से नहीं किया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट अपने अगले न्यूज पर। और एक नया बड़ा अपडेट आ रहा है नए सत्र के स्कूल को लेकर कि नए सत्र में अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी, सरकारी की नई अध्यादेश।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। इसका मसौदा मंत्रिपरिषद की उप समिति की बैठक में रखा जाएगा। यहां से हरी झंडी मिलने के बाद अध्यादेश लाकर इसे लागू किया जाएगा। यदि जुलाई तक कानून तैयार हो जाए तो इसे विधानसभा में प्रस्तुत कर पारित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जल्द ही नए सत्र में नए अध्यादेश जारी होगी निजी स्कूलों को लेके कि वो मनमानी तरीके से जो जिस तरह से फीसें वसूल करते हैं उस पर रोक लगेगी। और देखते हैं कि यह जो अध्यादेश है कब तक लागू होता है। वैसे आप नीचे कमेंट पे अपनी राय जरूर हमारे तक शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं अगली बड़ी अपडेट पर। तो राशन कार्ड को लेके नई योजना शुरू होती हुई APL कार्ड राशन कार्ड धारकों को नमक वितरण योजना शुरू हो चुकी है। APL कार्डधारियों के लिए नमक वितरण योजना की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने नवा रायपुर स्थित नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय में नमक से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ले सकेंगे 2 किलो नमक। तो चलिए फटाफट चलते हैं अगली बड़ी न्यूज अपडेट पर। पॉपुलर सॉन्ग, वायरल सॉन्ग ये मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी गीत छत्तीसगढ़ी वर्जन या सूरज की किरणों के साथ आपके कानों में मधुर आवाज़ें सुनाई देती हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में बोल जो दिल को छू लेती हैं। मोर अंगना मोर द्वारी स्वच्छता मोर चिनारी स्वस्थ रायपुर होई हमारा मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी। ये गीत न सिर्फ स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित करता है बल्कि मखमली आवाज़ों से अलहदा एहसास भी जगाता है। स्मार्ट सिटी के अफसरों ने जब जावेद अली से यह गीत गवाया था तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उसका छत्तीसगढ़ी वर्जन इतना पॉपुलर हो जाएगा। तो भाई लोग आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आप इस गाना को सुने हैं या फिर नहीं सुने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना जो है राय जरूर आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो आप देख रहे थे इस छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 21 जून छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।